कैसे हो सब? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में टोक्यो ओलंपिक कितनी जोरों शोरों से चल रहा है, और वहीं हमारे इंडिया के कमाल के एथलीट्स भी अपना जलवा दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। तो जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एथलीट रवि कुमार दहिया के बारे में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाकर पूरे के पूरे और देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया। और उनकी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में, उन्होंने कैसे अपने रेसलिंग में करियर बनाई, तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के उनके अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 12 दिसंबर 1997 को नाहिर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में रवि कुमार दहिया का जन्म हुआ। उनके फैमिली में उनकी माँ और उनके पिताजी रहते हैं। उनके पिताजी का नाम राकेश दहिया और उनकी माँ का नाम रीमा दहिया है। रवि, जो कि बचपन से ही काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, हरियाणा में उनकी खुद की ज़मीन भी नहीं थी, और इसी के कारण उन्हें दूसरों की ज़मीन को हायर कर कर उस पर खेती बाड़ी का काम करना पड़ता था। उनके पिताजी बहुत ही मुश्किलों से घर का पालन पोषण किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने अपने बच्चे में बचपन से ही कुश्ती और पहलवानी को लेकर एक कमाल का जज्बा देखा, जिसके कारण कितनी भी मुश्किलों का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी भी रवि की प्रैक्टिस और उनके पालन पोषण पे कमी नहीं बढ़ती। और शायद इसी का कारण है कि रवि आज 23 साल की उम्र में ही पूरे इंडिया को टोक्यो ओलंपिक में प्राउड करवा रहे हैं। अगर रवि दहिया की एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस की बात की जाए, तो उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई सोनीपत हरियाणा से ही कम्प्लीट की, और बाद में जाकर उन्होंने ग्रेजुएशन BA से कम्प्लीट की। रवि कुमार दहिया जी बचपन से ही कुश्ती के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। उन्होंने महज 10 साल की उम्र से अपनी कुश्ती की ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी थी। उनके सबसे पहले गुरु थे, जिनका नाम था सतपाल सिंह, और वो छत्रसाल स्टेडियम में जाकर रोज़ अपनी कुश्ती की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस किया करते थे। हालांकि छत्रपाल स्टेडियम उनके गाँव से काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पिताजी ने कभी भी अपने बेटे के लिए हार नहीं मानी। वो रोज़ गांव से उस स्टेडियम तक जाकर रवि को फ्रेश मिल्क और फ्रूट्स दिया करते थे, ताकि उनकी प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रह सके और उनका स्ट्रेंथ भी बना रहे। रवि को अपने पिताजी को इतना मेहनत करते देखकर भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, और वो मानते भी हैं कि उनके सबसे पहले मोटिवेशन उनके पिताजी हैं। अब हम बात करेंगे रवि कुमार दहिया जी के कैरियर के बारे में, कि कब उन्होंने अपने रेसलिंग में प्रोफेशनल कैरियर को शुरू किया। रवि ने अपने कैरियर की शुरुआत ही जूनियर स्टेजेस से ही शुरू कर दी थी। उन्होंने 2015 में जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में 55 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन उसी के 2 साल बाद यानी 2017 में उन्हें खेल के दौरान गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद वो 1 साल तक कोई भी रेसलिंग का मैच नहीं खेल पाए थे। लेकिन उन्होंने इसकी वजह से बिल्कुल भी हार नहीं मानी, और उसी के 1 साल बाद ही यानी 2018 में उन्होंने वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीत के आए, और उसी के 1 साल बाद यानी 2009 में उन्होंने प्रो रेसलिंग लीग में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अफसोस वो कोई भी मेडल जीत कर नहीं आ पाए थे। और उसके बाद ही 2019 के एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में भी वो कोई भी मेडल और खिताब नहीं जीत कर आ पाए थे। और फिर उन्होंने 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने 2017 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप को हरा दिया था, जिसके बाद उनका नाम 2020 की समर ओलंपिक्स में शामिल हो गया था, लेकिन अफसोस वो सेमीफाइनल के पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब हार के बावजूद भी, उन्होंने कभी भी अपना मोटिवेशन नहीं खोया, और 2020 और 2021 के एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में लगातार 2 साल गोल्ड मेडल जीत कर ले आए, और अभी के टोक्यो ओलंपिक्स में भी वो सेमीफाइनल को जीतते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं, और फाइनल्स और गोल्ड मेडल के तरफ अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, हम सभी की तरफ से रवि कुमार दहिया और जितने भी एथलीट्स अभी टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई।
तो यार होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। और आप किस फेमस एथलीट या मोटिवेशनल बायोग्राफी हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे इसे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में। बाय।